काफी टाइम के बाद थिएटर में ऐसा ऑडियंस देखने मिल रहा है कि जहाँ पे तीनों जनरेशन के लोग एक साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा ऑडियंस देखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो है तो
अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसका मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कई एक जगह ऐसी थी जहां पर ये शब्द आया और प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीजें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो है वो पैन इंडिया है और सब कुछ समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना जोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ ना, इसलिए थोड़ा उसको कम रखा था जान बुझ। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था, उमेश का आदेश का क्या बात कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको यू नो मेक इट अ टिपिकल गुजराती कैरिकेचर कैरेक्टर, ही वांटेड इट टू बी प्री नॉर्मल, यस योर सेंटेंसेस ऑफ योर वर्ड which has a Gujarati twang or a suggestion of, you know, being a Gujarati, that's all that we want. Jimithi did not stop, because, you know, Jimith is a superstar in Gujarat, and if he hadn't done what he was asked to do, he would have got a patient. नहीं, और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि मैं गुजरात से ही आता हूँ। Oh, okay, yeah. तो आप लोग किधर से हैं? आप मुंबई में पहले से बेस्ड हैं। ओह ओके। मैं स्ट्रेट गुजरात से हूँ, इस वजह से। कुछ बदलना चाहते हो क्योंकि मीडियम दूसरा है। और ये भी बैक ऑफ द माइंड होता है कि यू डोंट चेंज द वेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी। फिल्म लिखते वक्त मैं ये कोशिश करता था, मुझे बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा था कि इसका गोत्र जो है, इवन कहानी का जो गोत्र है वो थिएटर है, तो थोड़ा बहुत थिएटर फिल्म में भी रहेगा, लेकिन उसमें फिल्म के मुताबिक काफी चेंजेस ऑब्वियसली होने चाहिए जो हुए, लेकिन उसका गोत्र जो है वो थोड़ा थिएटर का रहा और वो एक कॉन्शियस एफर्ट थी। जैसे कि सेकंड हाफ में देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स व्हिच आर द आई थिंक द पिवोटल सीन्स, एक अमित जी का सीन है आई होप यू अंडरस्टैंड, और एक ऋषि जी का सीन है एयरपोर्ट पे। ये दोनों सीन्स प्ले में नहीं है, दे आर नॉट इन द प्ले, ये फिल्म के लिए लिखे गए, लेकिन फिर भी उसका जो गोत्र है उसका जो क्रक्स है वो थिएटर जैसा है। कार्निवली यस्टरडे विच इज अगेन अ वेरी गुजराती बैस्टियन, सो व्हेनेवर ही सेज आवेगे जाड़ियो और ना सुहोए लखोटा, इट इज सेड इन सच अ वे that audiences are really loving it. So I think it was, while I was writing the dialogue, I just wanted to sprinkle a little bit of Gujarati, and that's how it was conceived. Constricted to just one room. And as you know, in today's times, everything is so fantasized, so larger than life, huge production values. They felt, don't you think it was wrong not to have gone out of this one house that both of us were living in. But I really don't have an argument for that. I think Umeshji deliberately wanted the house to be middle class and restricted to the home, because everything that happens in the film is contained within those four walls. Yes, there were opportunities when we went out, so those were beyond any kind of grand exploitation. I think if we had added, you know, a lot of glamour and grandness to the film, Swamiji was saying, the crux of the story would have been destroyed, because it was more personal reactions, interaction between a father and son and their relationship. So I don't know what you feel, we'll talk to you about that later, but this is something that came up. If I may add, there's been criticism saying that, you know, the film starts off like a play, because you know it's based on a play. My father made a film called Sangam. It was, playing time was 4.5 hours, and there were only 3 characters in the film. There was no 4 characters. No one said that was looking like a play or a stage play, because you know it's made on a play. That's why you say it looks like a play. So I think that's one criticism which I think is uncalled for. जो डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, बड़ौंबा गाना था, वो गाना जब लोग पार्टी करने जाते हैं उसके पहले आ सकता था या उसके बाद आ सकता था, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा पिक्चर देखने गया, फिर तिबारा पिक्चर देखने गया कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा पूछ ही लूँ सामने है तो।
सर आज शाम तक आपको मैं मिठाई भेज दूंगा क्योंकि यही मैं उनसे कह रहा था ये माने नहीं क्या एक ही था कि उसके एक से पहले और एक गाना गया था तो वो एक शायद वजह रही होगी जो मुझे लगता था कि कहीं पेस को वो थोड़ा ढीला ना कर ले वही एक वजह थी और कुछ नहीं थी और वो जो गाना जिस तरह से पिक्चराइज हुआ है उसमें चीजू साहब जो है वो भी डांस करते हुए दिखाए तो हम लोगों ने जब ये गाना डिजाइन किया था जब प्लान किया था तो वो नॉट प्रमोशनल सॉन्ग की तरह ही हम लोगों ने डिजाइन किया था अगर चिंटू जी उसके पहले अगर डांस करते हुए दिखाई देंगे आपको तो फिर जब वो पहली बार प्लेन के सामने आते हैं वो पत्थर का विमान है जहाँ उनके ऊपर वो जो नकली विमान एक आदमी उनको लगता है पहली बार जो उनके चेहरे पर स्माइल आती है वो इम्पैक्ट जो है वो पूरी मर जाती है क्योंकि वो उनका पहला एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो पिताजी ने उनको जर्नी इन द पास्ट के लिए भेजा हुआ है कि जहाँ से वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है उसके बाद चर्च उसके बाद कहीं और सिटी बेकरी तो वो जो प्रोग्रेशन था वो प्रोग्रेशन के पहले अगर ऐसा नाचता हुआ गाना आ जाए जिसमें चिंटू साहब भी डांस कर रहे तो वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता था तो परेशान हो जाते हैं उन्हें ओल्ड एज होम्स भेज देते हैं आप लोगों के फिल्म में इसका विपरीत दिखाया है बहुत सारे रिएक्शन आए और 5 मिनट पहले भी अभी मैं जब वॉशरूम गया था तो हमारे बगल में खड़े थे उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अभी आपकी फिल्म देखी है और मैं हूँ नहीं यहाँ से मैं विदेश में हूँ लेकिन जिस तरह से रिश्ता आपने दिखाया और जो समस्या थी उसको जिस तरह आपने दर्शाया है और उसका जो समाधान बताया है उससे मैं मानता हूँ और सहमत हूँ थैंक यू सो मच ऐसी ऐसी फिल्में और बनेगी आपको लगता है इस एंगल को और एक्सप्लोर किया जाएगा और मिशन जो आपने बोलते रहिए वैसे क्योंकि हमारी नौकरी जो है वो काम है सर आपकी तो नौकरी चलेगी बहुत अभी आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है आपके लिए फिल्म्स लिखी जाती है एंड यू हैव बीन वेरी मॉडेस्ट अबाउट ऑल दीस थिंग्स पर आज के वक्त में भी आपको ध्यान में रख के फिल्में लिखना और आपके लिए स्पेशली फिल्में बननी कैसा आपको बिल्कुल असत्य है एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं शेयर करना चाहूंगा जैसे हम लोग नॉर्मली जो है वो थिएटर में बाहर जाते हैं देखते हैं कि लोगों को कैसी लगती है फिल्म तो हम लोग वहीं खड़े थे मैं और सौम्य बाहर खड़े थे और हम लोग देख रहे थे कि लोगों को क्या लग रहा है ऐसा पूछते नहीं थे जानबूझ के पर जो भी बात कर रहे हैं ऐसे सुन रहे थे तो नॉर्मली क्या होता है कि जब फिल्म चल रही हो तभी आपको लाफ्टर आ जाए या कभी आप तभी उस वक्त रो पड़ो या जो भी इमोशन में रहते हो उस वक्त रहना आपको समझ में आता है कि हाँ फिल्म देख रहे हो तो आपको रोना भी आ गया हंसना भी आ गया एक कपल हमने ऐसा देखा जो थिएटर के बाहर आके एकदम बाहर आके फूट फूट के रो रहा था तो थोड़ा ताजुब लगा कि क्या हुआ इनको पता नहीं चला तो उसमें से फिर मैंने पूछा क्या हुआ आपको तो बोला और उन्होंने पहचान लिया कहीं टीवी पे कहीं देखा होगा कि बहुत अच्छी फिल्म है ये वो है तो बोला हाँ ठीक है ठीक है मैंने बोला आप अभी आप इतना रो क्यों रहे हो बोला ये टाइमिंग ऐसा हुआ है अभी कि हम लोग फिल्म देख के बाहर निकले और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बेटा है जो US में रहता है वो कभी कभी हमें इस तरह से इग्नोर करता है तो मुझे लगा कि मैं वैसा हम लोग ऐसे जो भी रहता है ऑब्जर्वेशन से ही सब बनती है फिल्में तो उन्होंने कहते बात ये नहीं है बात ये है कि उसने वहाँ के टाइम के हिसाब से अमेरिका के टाइम के हिसाब से अभी फिल्म देखी और हम थिएटर के बाहर आ रहे थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से बेटे ने मुझको फ़ोन किया कि सॉरी मम्मी बाबा कि हमारे से गलती हो गई है आप जल्दी से अमेरिका आ जाइए तो ये बहुत ही ऐसा रिएक्शन था जो उस वक्त ही हमें पता चला कि यार ये ऐसा भी हो सकता है तो सर यू डोंट नो मी आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम लंदन इट्स वेरी लेट आई नो इट्स 3:00 इन द मॉर्निंग इन योर एंड बट आई हैव जस्ट सीन योर फिल्म बागवान एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई एम सेकंड जनरेशन immigrant in the United Kingdom. I've had an issue with my father. We live in the same city, but I haven't seen him for 25 years. I haven't spoken to him because of problems. I've just seen your film, and I've strongly up to tell you, I'm going to ring up my father right now and say, I'm sorry. Wow. So sometimes, you know, these things
emotions they have effect on people. Amit ji, Kapoor sahab aloke kiya aapke se. Ji. मैं पहले तो एक जिक्र करने ने भी ये फिल्म देखी, हर वन इस फिल्म को देख रहा है एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज फैमिली एंड ही सेड कि मैं अपने अम्मा से और बाबूजी से बात किया और फिल्म देख रहा क्योंकि बहुत दिनों से वो मुंबई में था और उसने अगर एक एक करके आपसे कोई कर सकते जी सर आप शुरू कर सकते हैं और स्वामी जी करवा ने सब देखा और बच्चों को बहुत पसंद आए मैडम जो है उनकी जो व्याख्या होती है मेरे काम पे वो थोड़ी सी गंभीर होती है और शांत रहती है तो कई बार तो बोलती नहीं है इस बार उन्होंने कुछ अजीब सा कहा उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग जो है इस फिल्म की बहुत सही है क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी फैंटेसाइज्ड फिल्म्स हॉलीवुड से एवेंजर्स आ रही है ये आ रहे हैं बड़ी 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 फिल्में आ रही हैं अचानक एक छोटी सी फिल्म आ जाएगी ये कहीं ना कहीं खड़ कर जाएगी सही कहा उमेश जी ये तो आप सब अभी सब तारीफ कर रहे हैं लुक्स क्या है या एनी क्रिटिसिज्म एनीथिंग दैट यू फील वाज नॉट राइट यू नो वी'd लाइक टू नो बिकॉज़ वी कैन कैरी ऑन टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स और सिर्फ सिटी के जरिए ही आपने ये चीज दिखाई तो बहुत अच्छा लगा सेम उनका भी यही रिएक्शन था और उन्होंने पूछा कि ये कैसे आया मैंने बोला कि ये तो सौम्य ने लिखा था और इसी तरह से उन्होंने लिखा था और उस वक्त ही मुझे एक जवाब मैंने उनको दिया जो मैं आपको दूंगा कि ये जब फिल्म ही लाइफ के बारे में है तो डेथ क्यों दिखा तो फिल्म ही जिंदगी के बारे में है तो वो चीज क्यों दिखा फिल्म इज अबाउट लाइफ मेरा सवाल दत्तात्रेय मखारिया और बाबूलाल मखारिया से है आप दोनों से सर अनुज्ञा गुजरात मित्र से आपके सामने यहाँ दत्तात्रेय जी और बाबूलाल बखारिया जी आप दोनों ने साथ आते आते 26 साल लगा दिए 27 साल और कितने साल लगाने वाले हैं आप साथ आने नहीं नहीं अबे हम तो इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और बनाए हमारे साथ इतनी सारी फिल्में हमने साथ में की हैं और सबका वातावरण बहुत ही अच्छा था अब मौके मिल रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की रिलीज के बाद और बहुत से भी मौके आएंगे हमारे जीवन में अभी तो बाप बेटे हैं अभी दो बाप कर सकते हैं दो भाई कर सकते हैं चचा भतीजा कर सकते हैं दादा नाना तो कोई लड़ने को तैयार हो गया जैसे हमने देखा इस फिल्म में और इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हमने फिल्म एक साथ में शूटिंग की जुट के एक ही यू नो स्टैंड में एवरीबॉडी इज इन द कैरेक्टर तो हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिक्चर में हम सोचते हैं कि ये एक फिल्म बनाना है एक फुटबॉल गेम में हमको बॉल ड्रिबल करके गोल की तरफ ले जाना है और हम सब खिलाड़ी हैं उसमें वी आर इक्वली ऑल इन्वॉल्व इन दैट सो टुडे वी हैव गॉट अ जस्ट डिजर्ट्स वी आर वेरी हैप्पी मैं वो जो कोमल कह रहा था बहुत अच्छी बात की ऐसी किस्म की पिक्चरें अगर लोगों को पसंद आएगी तो फिर ऐसी बनेंगी अगर ऐसी नहीं पसंद आएगी तो फिर हम वो ही बनाते रहेंगे जो हम बनाते रहे हैं जी हाँ जो हम फॉर्मूला बनाते हैं जो मैं मजाक में कहता हूँ कि हम कभी जब यंग थे तो हम सब एक्टर के पास कभी ना कभी चार फिल्में तो लॉस्ट इन फॉर्म पे होती थी ऑडियंस इतनी फॉरगिविंग थी कि लॉस्ट इन फॉर्म हर एक्टर घूम जाता था बिगनिंग में एंड में विलन को मारते मिल जाता था तो वो दौर चलते गए टिल व्हेन आई डू नॉट नो यू नो किस्मत बनी थी दादा मुनि के साथ ऑल्सो रतन की किस्मत तो यही है कि दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज अप्रिशिएटेड एंड यू नो वी सी अ लॉट ऑफ गुड फिल्म्स कमिंग यू नो like what we saw in the medium and Hitchcock and Newton and all these are different they're off the curve films to ye chal rahi to ek acha vatavaran ban raha we will attempt to make better films and that's how Indian industry will also improve they to wohi picture banate rahenge single theater maar pitai you know all that
स्कूल के पास अरुणा रानी जी और मैं कोई बात कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ थे, फिर उनको हमने कुछ ऐसे ही टाट पटकार के पीछे, थोड़ा विलन का रोल था उनका, टाट पटकार के पीछे छोड़ दिया। हम लोग आगे चले गए फोरग्राउंड में, हम लोग दोनों बात कर रहे, बात करते करते वो एकदम आउट फोकस में है, पीछे खड़े बात हम लोग दोनों कर रहे हैं। सडनली सर मैंने देखा कि एक स्मोक रिंग चलता हुआ हमारे सामने आ रहा है। दैट वाज शत्रुघ्न सिन्हा स्मोकिंग एट द बैक देयर एंड सेंडिंग स्मोक रिंग्स इन द फ्रंट। सो यू विल वंडर वेयर दिस इज कम फ्रॉम। स्मोक सिग्नल। यू स्टार्ट लुकिंग एट हिम इंस्टेड ऑफ द टू पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ऐसे बहुत उदाहरण होते हैं, बट यू नो वो भी एक कला है अपने आप। एक छोटा सा और सवाल था कि जब आप लोग फिल्मों में काम करते हैं और कोई ऐसी, मैंने कहा ये आपको गाना है, मैंने उसे कहा तुम पागल हो गए, ऐसे होगा नहीं मुझे सब गाना। किसी तरह वो गाना गवा दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग गाना गवाने लगे। होली के समय हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं, रंग बरसे और बहुत सारी जो लावारिस में गाना था एरिया इंडिया में, ये सब हम लोग होली के समय में गाते थे। प्रकाश जी ने और यश चोपड़ा जी ने जो कि आते थे हमारे यहाँ होली के, उन्होंने सुना इसको और उन्होंने कहा कि इसको हम फिल्म में डालेंगे। वहाँ भी मैंने कहा ये पागल बने, लेकिन पड़ गया फिर प्रचलित भी हो गया। तो जब और बीच बीच में मैं हमारे मित्र गुजर गए हैं आदेश श्रीवास्तव, रात भी रात हम लोग अकेले बैठ जाते थे उनके स्टूडियो में ऐसे ही बातचीत करने के लिए, और कभी कुछ धुन निकल जाती थी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, कोई गाना गा देते थे ऐसे ही मजाक मजाक। फिर धीरे धीरे बार बार आए उसमें, हमने कहा कि यार हमको भी मौका दो इसमें हम कुछ गाना गा देते हैं या बनाते हैं। तो इसी तरह शावा शावा भी जो थी वो बनी, कभी खुशी कभी गम में। एक्चुअली करण जोहर ने कोई और गाना रिकॉर्ड किया, फिर मैंने जब उसको सुना मैंने कहा करण ये अच्छा नहीं लग रहा यार, मैंने कहा कि अभी तो शूटिंग है, एक दिन दो मैं ट्राई करता हूँ कुछ और बनाने के लिए। तो आदेश और मैं बैठे और एक ये जो शावा शावा गाना बना वो बन गया। तो इसी तरह हम लोग मजाक मजाक में करते रहते। जब ये फिल्म की बात आई तो जब आखिरी दिन थे शूटिंग के, तो जैसे कि हमने कहा कि मैंने इनसे कहा कि यू नो वी आर मिसिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म, ब्रिंग्स इन द एक्साइटमेंट, द यंगर जनरेशन विल नॉट कम टू सी दिस फिल्म बिकॉज देयर इज नथिंग फॉर देम देयर, कैन वी पुट सम काइंड ऑफ अ हैप्पी सॉन्ग देयर। सो ही सेड देयर इज नो स्पेस इन द फिल्म फॉर द सॉन्ग, जगह नहीं है। मैंने कहा एक गाना मैं बना करके आपको सुनाऊंगे, उन्होंने गाना बनाई, फिर जब गाना बन गया इनको अच्छा लगा और फिर दैट्स हाउ इट ऑल केम अबाउट। ऐसे ही मस्ती मस्ती में बैठ करके बना दिया, कोई खास परिश्रम नहीं किया। हमारे दो मित्र हैं रोहन विनायक, और उनके साथ भी हम ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं। दरअसल मैं एक एक्चुअली थोड़े एक और विस्तार में इस विषय पर काम कर रहा हूँ। बाबूजी की बहुत सी कविताएं हैं जिनको मैं संगीतबद्ध करना चाहता हूँ और उसी सुर में गाना चाहता हूँ जिस सुर में वो सुनाया करते थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह डालकर, और इंशाल्लाह हमने रिकॉर्ड किए वो हो सकता है एक आध महीने में आप सबके सामने पेश करूँगा। वाला जो सीन है वो एक्चुअली 12 पढ़ने का सीन था, और मैंने वसीम साहब को कहा कि सर ये हम लोग वन शॉट पूरा करेंगे, मतलब जिसमें आपको प्रॉपर्टी हैंडलिंग भी है, इमोशंस के भी इतने चेंज हो रहे हैं, सार्कास्म है, रोना है, प्रॉपर्टी हैंडलिंग में आपको रिकॉर्ड रखनी है, मूवमेंट काफ़ी है, मतलब वो यहाँ से चीटू जी के पास जाएंगे फिर वापस वहाँ जाएंगे, 3-4-5-6 मूवमेंट है, फिर जाके फ़ोन करना है, फ़ोन पे बात करनी है, तो ये पूरा सीक्वेंस 12 पढ़ने का था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था बच्चन सर को कि सर ये वन शॉट करेंगे, एंड अभी आपको जो फिल्म में दिखाई दे रहा है उसमें आपको बीच में कट्स दिखेंगे कि बीच में चिंटू जी का क्लोज आएगा या जीवित का क्लोज आएगा, और वो 12 पढ़ने का सीन था वो हम लोगों ने वन शॉट पूरा सीन शूट किया था, और बच्चन सर ने पहले टेक से ही इतना बढ़िया करना शुरू हो गया था कि हम लोग जब बच्चन सर कहते थे कि और एक करना तो हमको लगता था ये अच्छा मिला है, पर ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि 12 पढ़ने का सीन जो था वो करते थे एक टेक में। तो मुझे मालूम है कि मैंने कहा कि यार लक्ष्मण इज आवर DOP कैमरा मैन थे, मैंने उसको बोला कि लक्ष्मण ये थोड़ा फोकस गड़बड़ लग रहा है, इतना लंबा शॉट दिया बच्चन सर ने और इतना आउट ऑफ फोकस आएगा, तो मैं उनको किस कैसे बोलूं कि आउट ऑफ फोकस था आप और एक बार कीजिए।
तो लक्ष्मण ने कहा ये आउट ऑफ फोकस सीन नहीं है बिकॉज यू आर क्राइंग, आपकी आंखों में पानी इतना है कि आपको जो सीन है वो आउट ऑफ फोकस बन रहा है. एंड देन जब मैंने आजू बाजू देखा तो पूरा यूनिट था, तो पूरा यूनिट ऐसे ही रो रहा था. तो मैंने बोला कि क्या बात है. तो यही एक मैंने जो कोमल जी के शो पर भी शेयर किया था कि बहुत ही बढ़िया ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको वन शॉट में ही शूट करना मजा आता है. और ये सीन खत्म होने के बाद रात को मुझे 2:30 या 3 बजे वचन सर का और एक बार रात को फोन आया 2:30 बजे और मुझे कहा कि उमेश अगर लाइटिंग सुबह भी चेंज नहीं हुई है तो वापस वही कर देना क्योंकि मैं और एक बार करना चाहता हूँ. सर 2:30 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं सुबह और एक बार ये सीन फिर से करना चाहता हूँ. एंड अगेन वी टुक 2-3 शॉट्स एंड अभी सीन देखिए आप कैसा लग रहा है. दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है. ये बट सबको सबको सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी. मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया लेकिन मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली. देखो दत्तात्रेय बखारिया हिस्से तो सीजी मारने के लिए कहा था बोला वेल डन, तो मैंने डबिंग वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था लेकिन ऐसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली. पूछिए क्यों, वो तो गलत किया हुआ. और सर बोलिए, मैं बताता हूँ सर, मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है मैं स्कूटर पर होता हूँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे मरेगा क्या, मैंने कहा नहीं मैं मरता नहीं हूँ. फिर मैं अंदर जाता हूँ स्कूटर में बैठ जाता हूँ और बैठ करके मैं पूछता हूँ कहाँ से हो, बोलता है जॉन पॉल से. चलो जॉन पॉल के पति वहीं से ले चलो. वो कहता कहाँ जा रहे, नहीं कुछ होगी तुम्हारे लिए. ऐसे मैंने पूरी दुनिया पूरा इंडिया घूमा ऐसे. उसके बाद मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि सर कुछ गाना वाना सुनेंगे आप, क्योंकि स्कूटर में आजकल संगीत होता है. तो मैं कहता हूँ है क्या तुम्हारे पास कोई रफी ST, यानी वो पुराने जमाने की बातें. वो कहता नहीं सर वो तो नहीं, आजकल तो सब नया सब धड़ाम मालूम होता है. वो बजाओ क्या, मैंने कहा नहीं वो मत करो, तब तो हॉर्न ही बजा दे. इससे बेटर है कि तू तो हॉर्न बजा दे. वो पूरा सब निकल गया सर. मैंने उससे पूछा क्यों निकाला, कहता सर वी मस्ट गेट टू द स्टोरी, हूज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग इन दिस इन द रिक्शा. Richard, clear cut. Thank you.